बुल मस्टिफ एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड होती है जो दिखने में काफी भारी भरकम होते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये डॉग ब्रीड आप लोगों को परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए क्लियर करते हैं आप सभी के इन डाउट्स को और बात करते हैं इसी डॉग ब्रीड के बारे में। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसकी क्वालिटी देखिए। ये एक मेल पपी है और सिंगल ही अवेलेबल है। एंड गाइज, क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश मस्टिफ एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड होने के बावजूद भी मीडियम साइज के घरों में आसानी से रह सकते हैं। एंड इसका रीजन ये है कि एक तो ये डॉग्स अपार्टमेंट फ्रेंडली होते हैं एंड सेकंड ये दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में इतने एक्टिव नहीं होते। इंग्लिश मस्टिफ एक फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग घर पर अकेला छोड़कर भी जा सकते हैं। बट जब ये पपीहुड में होते हैं, जैसे कि अभी है, इस टाइम इन्हें किसी ना किसी की जरूरत होती है बिकॉज सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग तो इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ही। साथ में इन्हें मॉर्निंग वॉक एंड फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूर कराएं, अदरवाइज ये डॉग्स बहुत ही हैवी एंड लेजी हो सकते हैं। सो गाइज, आगे बात करते हैं, बट उससे पहले यह है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है PK गेमिंग, सेकेंड है इलाही जॉन एंड थर्ड है सुजाता सिंह। तो गाइज, अब क्वेश्चन आता है कि क्या फर्स्ट टाइम ओनर्स इस डॉग ब्रीड को परचेज कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली और प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है। ये अपने ओनर के लिए बहुत ही वफादार होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, इसीलिए ये AKC की वर्ल्ड डॉग रैंकिंग में नंबर 48 पर आते हैं। सो गाइज, पपीज के अलावा आप लोग इसकी मदर की क्वालिटी भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है, और ये पपीज के फादर हैं। तो दोनों आप लोगों को कैसे लगे आप लोग अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये पपी के फादर ओनर के पास ही है, आप लोग उन्हें कभी भी वीडियो कॉल करके इसकी क्वालिटी को लाइव भी देख सकते हैं। तो अगर इस पपी की एज के बारे में बात करें तो ये 1 मंथ का हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो है बहादुरगढ़ नियर न्यू दिल्ली से। एंड ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 25,000 रुपीज यानी 25,000 रुपए। बाकी से परचेज करते टाइम आप लोग बारगेनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइस नेगोशिएबल है। एंड गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, ओनर के पास ये अमेरिकन बुली फीमेल भी अवेलेबल है जिसका प्राइस काफी अफोर्डेबल है। वैसे ओनर ने मुझे बताया कि ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये इस पपी के मदर और फादर हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। बाकी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है तो आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट करके उन्हें क्लियर कर सकते हैं, नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वैसे ही अमेरिकन बुली पपी भी 1 मंथ की हो चुकी है और इन पे आप लोगों को सिलेक्टेड एरियाज में डिलीवरी भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप लोग विजिट करके भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। और ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 10,000 रुपीस यानी 10,000 रुपए, प्राइस ये भी नेगोशिएबल है। तो गाइस, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।